तेज बर्तमान जी सीधासख उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में एक स्वतंत्र कार्यक्रम चली जोटे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित अच्छा एवं आप पूरा चित्र देखिपे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेठार उपस्थित थे इसी के साथ ये आयोजन अब संपन्न होता है। सौभाग्य है हमारा कि हमें माननीय राष्ट्रपति महोदय के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी सानिध्य मिला, माननीय राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य, आप सभी का हृदय से आभार। आज हम सब सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं और गौरवान्वित भी। आप सभी को प्रणाम और आप सभी का आभार। इसी के साथ ये आयोजन तो उत्तर प्रदेश को मिली आज 80,000 कोटी निवेश उपहार। इन्वेस्टर समिट को उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी देशर निवेश बड़ हॉटस्पॉट होबाको जाउछि। ए अवसर यूपी रे निवेशक मानंकु स्वागत करिछंती प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश रे विभिन्न प्रकल्प रे निवेश करुछंती आदानी ग्रुप्स, बिरला ग्रुप और अनेक बड़ बड़ उद्योगपति। विशेष भाव रे डाटा सेंटर, कृषि क्षेत्र, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र रे निवेश कराजिबा नै प्रस्तुति आरंभ होईछि। एक ऐसा समय है जब हम अपने फैसलों को सिर्फ एक साल या पांच साल को देखते हुए सीमित नहीं रख सकते। भारत में एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एक मजबूत और डाइवर्स वैल्यू और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हर किसी का योगदान आवश्यक है। सरकार अपनी तरफ से निरंतर नीतियां बना रही हैं, पुरानी नीतियों में सुधार कर रही हैं। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। बीते समय में हमने हजारों कंप्लायंस खत्म किए हैं, पुराने कानूनों को समाप्त किया है। हमने अपने रिफॉर्म से एक राष्ट्र के रूप में भारत को मजबूती देने का काम किया है।